वेलकम लर्नर, स्वागत है आपका ई लर्नम के यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू क्रिएट माइंड मैप्स के बारे में। जिनने भी मेरी पिछली वीडियो देखी होगी डिफरेंट स्टडी टेक्निक्स के बारे में, उन सब ने माइंड मैप्स का नाम जरूर सुना होगा। तो माइंड मैप्स के बारे में हम यहाँ स्पेशली क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि माइंड मैप जो होती हैं वो हमारे को बहुत हेल्प करने वाली होती है हमारी स्टडी को कंसाइज करने में, हमारे नोट्स को कंसाइज करने में, नोट्स को डायग्रामेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने में, जाके जिससे वो क्या होता है ना, जल्दी याद कर पाते हैं अपन उसको। एक थोड़े से टाइम में बहुत सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो जाते हैं, बहुत जल्दी रिवीजन में हेल्प करता है। तो इसलिए माइंड मैप ज़रूरी है। और माइंड मैप्स को कैसे क्रिएट करते हैं वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि माइंड मैप क्या होते हैं। माइंड मैप जो होते हैं वो पीछे एक ट्री जैसा कुछ दिख रहा है, नेटवर्क जैसा दिख रहा है, वो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है उसका। माइंड मैप बेसिकली एक ट्री से रिजेंबल करता है, जैसे ट्री में एक मेन स्टेम होता है, स्टेम होता है, उससे ब्रांचेस निकली होती हैं, उन ब्रांचेस से सब ब्रांचेस निकले होते हैं। वैसे ही हमारे माइंड मैप से बहुत सारे ब्रांचेस और सब ब्रांचेस निकले होते हैं। और इसका सेंट्रल थीम होता है वो टॉपिक जो हमें रिवाइज करना होता है, जो हमें स्टडी करना होता है। तो जिस भी चीज़ को हमें स्टडी करना है, जिस भी टॉपिक को स्टडी करना है, उसको हम सेंट्रल थीम मानते हैं। उस सेंट्रल थीम को हम मेन स्ट्रीम में रखते हैं, बीच में रखते हैं, सेंटर में, और उनसे फिर ब्रांचेस और सब ब्रांचेस निकलती। अब इन ब्रांचेस और सब ब्रांचेस में क्या होता है, इन ब्रांचेस में हम डिफरेंट लेवल पे उस स्टडी को कैटेगराइज करते हैं, उस टॉपिक को कैटेगराइज करते हैं, और फिर उन ब्रांचेस को डिफरेंट लेवल्स पे कैटेगराइज करके उनसे सब ब्रांचेस निकालते हैं, और उन सब ब्रांचेस में उससे रिलेटेड फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन को रखते हैं, है ना। तो इस तरह से कुछ ये रिजेंबल करता है। और क्या होता है, हर ब्रांच, सब ब्रांच और मेन स्टेम में कोरिलेटेड होता है एक दूसरे से, तीनों कोरिलेटेड होते हैं। तो जब भी हम किसी एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन एक ट्री में हम कंसाइज कर सकते हैं, सबको एक ट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसको इजीली याद करने के लिए एक डायग्राम फॉर्म में बना सकते हैं, है ना। अभी अपन देखेंगे कि इसको कैसे एक एग्जांपल में कि कैसा होता है ट्री एक टॉपिक से रिलेटेड। तो ये है एक एग्जांपल माइंड मैप का, जो यहाँ पे इस माइंड मैप का जो सेंट्रल थीम है, जो टॉपिक है, वो है सेल। सेल हम सबको पता है, बायोलॉजी में सेल क्या होता है हम सबको पता है। तो सेल को यहाँ पे चार बेसिस पे डिवाइड किया गया है, और उनके चार ब्रांचेस निकाले गए। पहला है कैटेगरी के बेसिस पे, दूसरा है साइज के बेसिस पे, तीसरा है टर्म्स के बेसिस पे, और चौथा है स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो हम सभी को मालूम है कि कैटेगरी के बेसिस पे जो सेल होते हैं दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो अपन जब भी इसको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में बात करेंगे, तो प्रोकैरियोट हम सबको मालूम होता है कि उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, और यूकैरियोट हम सबको मालूम होता है कि उसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं उनको, उनके कैरेक्टर्स हम इसमें लिख सकते हैं, यूकैरियोट वाले में यूकैरियोट के कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। इसके अलावा प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं कि प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया आते हैं, आर्के बैक्टीरिया आते हैं, यूकैरियोट में एनिमल्स और प्लांट्स, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सेल्स हैं, है ना, फंजाई हैं, वो सब आते हैं। तो इस तरह से प्रोकैरियोट और यूकैरियोट डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम, जैसे कि इस माइंड मैप में है, इसने डिवाइड किया है कि प्रोकैरियोट जो है वो उसमें डीएनए फ्लोटिंग होता है सेल्स में, बहुत मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है ये कि डीएनए किसी न्यूक्लियस में कैप्चर नहीं होता है, वो फ्लोटिंग होता है विद इन सेल, ठीक है। और इसमें सर्कुलर क्रोमोसोम्स होते हैं, और ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, और स्मॉल इन साइज होता है। वैसे ही यूकैरियोट्स के बारे में कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, और डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस में कैप्चर होता है। ऐसे ही साइज के बेसिस पे जब हम बात करते हैं सेल की, तो उसको एनिमल और प्लांट दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि ये एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, और उनके साइज के बेसिस पे साइज को लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं कि हाँ ये इसका रेंज ये होता है और इस सेल के का रेंज ये होता है। वैसे ही अगर टर्म्स के बारे में बात करेंगे तो हम सेल में जितने सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उन सब के बारे में ब्रांचेस और सब ब्रांचेस निकाल सकते हैं, कि जैसे ये साइटोप्लाज्म है, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, प्लाज्मिड है, न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम है, क्या क्या है।
तो क्लोरोप्लास्ट है, जो भी है, तो उनको टर्म्स के बारे में डिवाइड कर सकते हैं, उनके छोटे छोटे मेन पॉइंट्स लिख सकते हैं इनके सब ब्रांचेस में. तो इस तरह से ब्रांचेस और सब ब्रांचेस क्रिएट होते हैं. वैसे ही स्ट्रक्चर के बारे में कि एनिमल सेल का ये स्ट्रक्चर होता है, प्लांट सेल का ये होता है, प्लांट में ये स्पेशल होता है जो एनिमल में नहीं होता है. तो जैसे प्लांट में सेल वॉल के बारे में लिख सकते हैं, एनिमल में नहीं होता है. ये सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें एक ही डायग्राम में हम डाल सकते हैं. तो इस तरह से माइंड मैप अपने को देखने में ही सेल के बारे में याद. अब इतनी सारी चीज़ें अगर हम पैराग्राफ के फॉर्म में लिखते तो ये बहुत डिफिकल्ट होता कि एक ही ग्लेंस में हम उसको देख पाते, रिवाइज कर पाते. पर अगर हम इस डायग्राम को देखें तो एक ही बार में एक दो मिनट के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा, है ना. इस तरह से तो ये एक माइंड मैप का एग्जाम्पल था. माइंड मैप बनाते टाइम ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ध्यान रखें कि ये बहुत ज़्यादा क्लटर नहीं हो, बहुत ज़्यादा उसमें भीड़ नहीं हो जाए कि ये भी डाल दिया, वो भी डाल दिया, सब कुछ एक ही माइंड. आप माइंड मैप को सब कैटेगराइज भी कर सकते हो कि माइंड मैप में से छोटे छोटे टॉपिक और भी निकाल लो, ताकि वो देखने में तो थोड़ा ऐसा बहुत ज़्यादा भरा हुआ नहीं लगे, कि देख के ही लगे कि अरे ये तो बहुत बड़ा है, कैसे देखेंगे. तो छोटे छोटे टॉपिक्स में ही माइंड मैप को डिवाइड करो, वो ज़्यादा अच्छा होता है. बहुत ज़्यादा भरा हुआ होगा तो आपको खुद ही वो सेम लगेगा पैराग्राफ पढ़ने जैसा ही, तो ये इफेक्टिव नहीं होगा. छोटे छोटे डायग्राम्स में डिवाइड कर सकते हो और उसे याद करने में भी इजी होगा. बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इसको कलरफुल पेन से बनाते हो, कलरफुल पेन की हेल्प से बनाते हो, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कलरफुल चीज़ें काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हैं. तो अदरवाइज कलरफुल नीट एंड क्लीन बनाने में बढ़िया है. तो ऐसे अभी हम प्रैक्टिस करेंगे. जैसे पीछे एक हम पैराग्राफ देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, ये दो पैराग्राफ दो स्लाइड्स में है ना, ये कम से कम 500-600 वर्ड्स होंगे. तो अगर अपने को एक मिनट में इसके बारे में सब कुछ पढ़ने को दे दिया जाए और बहुत कम, मतलब ऐसे कम टाइम में सब कुछ पढ़ना हो, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा कि अरे ये बहुत लंबा है. लेकिन अगर हम इसको माइंड मैप के फॉर्म बना लें तो मुझे लगता है कि शायद 10-15 सेकेंड लगेंगे और ये चीज़ आराम से रिवाइज हो जाएगी. तो हम देखेंगे कि इसको कैसे हम बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं बना के. जैसे कि यहाँ पे हाइलाइटेड फॉर्म में हमें दिख रहा होगा कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे क्या होता है, कि अर्थ के एवरेज टेम्परेचर में जब राइज हो जाता है ग्रीन हाउसेस के एक्युमुलेशन की वजह से, तो हम इसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं. तो ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और स्पेशली फॉसिल फ्यूल्स से जो बर्न होने से गैसेस निकलती हैं, वो होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है. और इफ़ेक्ट क्या होता है इनका, कि ये ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं, सी लेवल में राइज करते हैं, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट और इंटेंस हीट वेव्स आते हैं, हरिकेन्स आते हैं. तो ये सारे इनके इम्पैक्ट हो गए. तो उसका हम रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, कि हम क्लीन एनर्जी सोर्सेज यूज़ करें, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यूज़ करें, रिफॉरेस्टेशन करें और कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेशन भी इसमें काफ़ी हेल्प कर सकता है. तो इस तरह से हम यहाँ पे ये मेन टॉपिक्स को देख लिए कि ये चीज़ें हैं जो ग्रीन हाउस मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है. अब हम इसके लिए प्रैक्टिस करेंगे कि माइंड मैप कैसे बनाते हैं. तो जब हम माइंड मैप बनाते हैं तो हमारा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग. तो ग्लोबल वार्मिंग को हम सेंट्रल थीम बना लेंगे, है ना. सेंट्रल थीम मेन स्टेम में ये ग्लोबल वार्मिंग चला गया. अब हम इसको कैटेगराइज करेंगे किसके बेसिस पे, व्हाट, ठीक है, व्हाई, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है. तो ये ग्लोबल वार्मिंग जो हो गया वो हमारे मेन स्ट्रीम में आ गया, और ये व्हाट वॉय इफेक्ट और रिजोल्यूशन, प्रॉब्लम रिजोल्यूशन जो है वो हमारे सब टॉपिक्स में आ गए, ब्रांचेस में आ गए. तो क्या होता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमोसफियर,
ठीक है, क्यों होता है? ड्यू टू जीएचजी एमिशन। अब इसमें ये लिख सकते हैं कि जीएचजी एमिशन क्या होते हैं। जीएचजी एमिशन होते हैं सीओ, सीओ टू, अमोनिया, नाइट्रेट गैसेस का एमिशन। ठीक है, किनके थ्रू होता है? वाया व्हीकल्स, व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल एमिशन, मीथेन एमिशन। यहाँ पे मीथेन भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है, मीथेन एमिशन एक्सेट्रा। अब इनके इफेक्ट क्या होते हैं? इफेक्ट में ग्लेशियर्स का मेल्ट होना, हीट वेव्स, हरिकेन्स, है ना। और रिजोल्यूशन में जैसा कि हमने पैराग्राफ में देखा था क्या क्या रिजोल्यूशन है इसके, क्लीनर रिन्यूएबल एनर्जी यूज, और क्या होते हैं, रिफॉरेस्टेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो इस तरह से हम कुछ माइंड मैप बना सकते हैं। मेरे को मालूम है ये काफ़ी गंदा बना हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत गंदी हैंडराइटिंग है, पर अगर आप अपनी हैंडराइटिंग में अपने नोट्स पे, नोटबुक पे बनाएंगे तो अच्छे कलरफुल पेन से नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में इसको बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डिजिटल माइंड मैप्स बना सकते हैं तो इसके लिए पावर पॉइंट, कैनवा, माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड, बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और उसको कलरफुल एंड नीट एंड क्लीन बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा वो भी। तो अगर देखते हैं कि अगर हम इसका डिजिटल फॉर्म बनाते हैं ये पावर पॉइंट की हेल्प से या फिर कैनवा की हेल्प से, तो वो कैसा दिखेगा, वो कितना क्रिएटिव दिखेगा। अगली स्लाइड में तो ये कुछ ऐसा दिख सकता है अगर आप बहुत अच्छे से बनाएंगे तो, व्हाट इट इज causes, effect and how to prevent, सारी चीज़ें अगर आप नोट डाउन करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो उम्मीद है आपको माइंड मैप समझ आ गए होंगे कि माइंड मैप्स क्या होते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपको कोई और दिक्कत हो, कोई और परेशानी हो किसी टॉपिक को समझने में, उसको याद करने में, तो ज़रूर कमेंट में बताना, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना के उसको, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो कमेंट सेक्शन में वो भी बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।